ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे रिक्वेस्ट किया है जसवीर सिंह ने। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एरोप्लेन में दो बड़े जेट इंजन लगे होते हैं जो प्लेन को पावर देती है और उसे लिफ्ट देती है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेट इंजन प्लेन को स्पीड देने के अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना ताकि लाइटिंग, एयर प्रेशर, एयर कंडीशन और कॉकपिट पर सारे कंट्रोल सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन उस वक्त प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? जब प्लेन के दोनों जेट इंजन बंद होते हैं, जब ये ग्राउंड में होती है। जब प्लेन ग्राउंड में होती है तो इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे AGPU यानी ऑक्सिलरी ग्राउंड पावर यूनिट कहा जाता है। बट AGPU में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ये इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई तो कर सकती थी, पर एयर प्रेशर को मेंटेन रखना और एयर कंडीशन की मेंटेनेंस नहीं कर सकता था, और इसका कॉस्ट भी बहुत अधिक पड़ जाता था। अब प्लेन को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो इन सारी कमियों को दूर कर सकती थी, और ये तब भी अपना काम करे जब प्लेन के दोनों मेन इंजन बंद हो। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए एक छोटा सा जेट इंजन प्लेन के टेल में इंस्टॉल किया गया, जिसका नाम है APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये APU एयर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर टेम्परेचर और एयर प्रेशर मेंटेन रहती है। इसके अलावा इसे एक स्टार्टर की तरह भी काम में लिया जाता है, जो मेन जेट इंजन को स्टार्ट करती है। और जब जेट इंजन और APU दोनों ऑफ कंडीशन में होते हैं और कोई भी ग्राउंड पावर कनेक्टेड नहीं होता है, उस कंडीशन में सबसे पहले बैटरी की मदद से APU को स्टार्ट किया जाता है, और तब रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है और कॉकपिट का सारा कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाता है। APU की साउंड कुछ इस तरह से होती है। APU एक स्टार्टर की तरह काम करती है जो जेट इंजन को स्टार्ट करती है, क्योंकि APU में भी एक जेट इंजन लगा होता है जो ढेर सारे प्रेशराइज्ड एयर जनरेट करती है, जिसे ब्लीड एयर कहते हैं। ये ब्लीड एयर मेन जेट इंजन पर स्ट्राइक करती है, जिसके कारण मेन इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब प्लेन टेक ऑफ कर लेती है तब APU को ऑफ कर दिया जाता है, और जब प्लेन लैंडिंग करने वाली होती है तो 10 मिनट पहले फिर से APU को ऑन कर दिया जाता है, और लैंडिंग के बाद मेन इंजन को ऑफ करके सारा पावर सिस्टम APU के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जिन प्लेन्स में APU सिस्टम नहीं होता है, उसे AGPU यानी ऑक्सिलरी ग्राउंड पावर यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से APU और AGPU सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।